मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी बीएल कांताराव ने निर्वाचन भवन में पत्रकार वार्ता को किया संबोधित। कहा, आपराधिक छवि वाले उम्मीदवारों पर चुनाव आयोग सख्त। उम्मीदवारों को अपने आपराधिक रिकॉर्डों की समाचार पत्रों और टीवी चैनलों में देनी होगी जानकारी। मतदाता पर्चियों के अनाधिकृत वितरण और कब्जे में पाए जाने पर होगी दंडनीय कार्यवाही। मतदान के 5 दिन पूर्व होगा मतदाता पर्ची का वितरण। मतदाता पर्ची में मतदान केंद्र पहुंचने का नक्शा भी होगा उपलब्ध। वीएल कांताराव ने दी जानकारी। प्रदेश में सख्ती से कराया जा रहा है आदर्श आचरण संहिता का पालन। अब तक करीब 5.5 लाख संपत्ति विरूपण के मामले दर्ज। आचार संहिता लगने के बाद से अब तक प्रदेश में 1,12,000 से ज्यादा शस्त्र थानों में जमा। प्रदेश भर में चुनाव प्रचार जोरों पर। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह ने विंध्य अंचल के कई जिलों में किया चुनाव प्रचार। जबलपुर में विंध्य अंचल के 7 जिलों के कार्यकर्ताओं को किया संबोधित। डिंडोरी में बृहद जनजाति कार्यक्रम में भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह ने किया चुनावी संक्रांत। जनजाति वर्ग की कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी देते हुए भाजपा के पक्ष में मतदान करने का किया आह्वान। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी ने ग्वालियर संभाग के विभिन्न अंचलों में किया चुनाव प्रचार। ग्वालियर में किया रोड शो। डबरा में भी किया चुनावी रैली को संबोधित। कमलनाथ और ज्योतिरादित्य सिंधिया सहित कई वरिष्ठ कांग्रेस नेता रहे मौजूद। दतिया जिले की पीताम्बरा पीठ में दर्शन से की राहुल गांधी ने ग्वालियर चंबल संभाग में चुनाव प्रचार की शुरुआत। पीताम्बरा पीठ में पंडित पुरोहितों ने राहुल गांधी से विधि विधान से करवाए मां बगलामुखी की पूजा अर्चना के कार्यक्रम। प्रदेश भर में निर्वाचन आयोग द्वारा जोर शोर से चलाया जा रहा है मतदाता जागरूकता अभियान। ईवीएम और वीवीपैट के प्रयोग के संबंध में दी जा रही है मतदाताओं को जानकारी। आदिवासी बहुल झाबुआ और अनूपपुर जिले में नुक्कड़ नाटक के जरिए बताया गया मतदान का महत्व। सागर स्थित महारेजिमेंट से सैन्य जवानों की नई दिल्ली तक के लिए साइकिल रैली रवाना। 27 अक्टूबर को नई दिल्ली में होने वाली इन्फेंट्री दिवस समारोह में करेंगे शिरकत। प्रदेश भर में नवरात्र के अवसर पर श्रद्धा और भक्ति का माहौल। देवी मां के सभी प्रमुख तीर्थों और मंदिरों में उमड़ रहा है श्रद्धालुओं का सैलाब। मां दुर्गा के 9 रूपों की भक्तों द्वारा की जा रही पूजा अर्चना। निर्वाचन आयोग द्वारा गरबा पंडालों में भी चलाया जा रहा है मतदाता जागरूकता अभियान। विजयदशमी के पर्व के लिए प्रदेश भर में तैयारियां जोरों पर। आगामी शुक्रवार को पारंपरिक उत्साह के साथ मनाया जाएगा असत्य पर सत्य की जीत के प्रतीक दशहरे का पर्व। त्योहारी सीजन के चलते ट्रेनों में अभी से 100 से ज्यादा वेटिंग। रेलवे द्वारा चलाई जा रही है कई फेस्टिव स्पेशल ट्रेनें। भोपाल से दिल्ली, मुंबई और रायपुर की तरफ जाने वाली ट्रेनें पहले से फुल। साहित्य अकादमी द्वारा आज शाम आयोजित किया जाएगा निरंतर सृजन संवाद रचना पाठ कार्यक्रम। रविन्द्र भवन परिसर के स्वराज भवन में होगा वह कार्यक्रम। वरिष्ठ साहित्यकार पद्मश्री रमेश चंद शाह करेंगे कार्यक्रम की अध्यक्षता। भारत को पहली बार यूथ ओलंपिक गेम्स में हॉकी में मिले 2 सिल्वर मेडल। महिला और पुरुष दोनों टीमें फाइनल में हारी। महिला टीम की को अर्जेंटीना ने और पुरुष टीम को मलेशिया ने दी मात। और प्रदेश के मौसम में बदलाव का दौर शुरू। 1 माह पहले ही हवाओं का पैटर्न हुआ सेट। इस बार जल्द सर्द होने लगी रातें। राजधानी समेत कई जिलों में रात का तापमान 20 डिग्री सेल्सियस से कम किया गया दर्ज।